अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू शो। इमरान खान साहब ने पहले भी वो कहते रहते हैं कि मुज़ाकरात मैं वहां पर करूंगा जहां पर वेयर द पावर लाइज। इस दफ़ा फिर उन्होंने कहा कि हम एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, एस्टेब्लिशमेंट अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करे। तो दूसरी तरफ से हुकूमत ने भी एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़े सीनियर वज़रा ने ये बात की। उन्होंने कहा कि हमसे बातचीत कीजिए, जमहूरियत में उन इदारों से जिनका सियासी रोल नहीं होना चाहिए उनसे बातचीत नहीं होती। वैसे जो हुकूमत मुज़ाकरात की बात करी, कितनी संजीदा है उसके अंदर हुकूमत, हुकूमत दे क्या सकती है? जो मुतालबात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हैं वो तो बड़े सादा से हैं, मैंडेट वापस कर दे तो ये हुकूमत ही नहीं रहती। सबसे पहली बात तो ये है। बाकी दो जो मुतालबात हैं वो भी किस तरह से हुकूमत उनको पूरा कर सकती है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया, आपने देखा होगा, एक दो रोज़ पहले, और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि मुज़ाकरात उनकी जब वो अपोजिशन में थे तो वो मुज़ाकरात नहीं, वो बाकायदा डायरेक्ट मुलाकात ही कर लिया करते थे। उस दौर के जो मुक्तदरा में सीनियर जनरल थे, जनरल फैज़, मेरा ख्याल है 2019 के शुरू की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त जनरल फैज़ DGC हुआ करते थे, जो उन्होंने बताया कि जनरल बाजवा के ससुर के घर उनसे उनकी मुलाकात हुई। ये मुलाकात कैसे जायज़ हो गई? और फिर उसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि जो ग्रैंड अलायंस का ऐलान किया तहरीके इंसाफ, ये भी अब थोड़ी देर पहले आपको सुनवाया कि उमर अयूब साहब जो बात कर रहे थे, ये ग्रैंड अलायंस बड़े अरसे से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कह रही है कि हम साथ में लाएंगे, लेकिन कुछ उसके अंदर सुस्त रवी सी नज़र आ रही है। अच्छा, ये बन भी जाएगा तो उसका फ़ायदा कितना होगा? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो एहतजाज अभी तक करने का प्लान करती रही है, ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि मकबूलियत बहुत है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम एहतजाज कोई मौसर, कोई बड़ा, कोई कारगर कर नहीं सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या यूं भी कह लीजिए कि करने नहीं दिया गया। हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इजाज़त नहीं देती, कोर्ट से इजाज़त दे भी देती हैं तो उसके बाद भी कोई बहाना एडमिनिस्ट्रेशन तराश कर, इंतजामिया तराश कर ले आती है कि जनाब ये रीज़न है या वो रीज़न है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं है, और फिर उसके अलावा बाकी दीगर सियासी जमातें हों या फिर और तरह की आउटफिट्स हों, वो पाकिस्तान के अंदर एहतजाज करती ही रही हैं। और फिर आखिरी ये भी बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो 12 जुलाई का फैसला आया उस पर पहले ही मरियम नवाज़ साहिबा ने कह दिया कि इतनी आसानी से हम आपको आपके ऑर्डर पर अमल नहीं होने देंगे। और फिर नवाज़ शरीफ साहब ने भी उसके हवाले से एक स्टेटमेंट जारी हुई उनके नाम से, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब मुल्क जब तरक्की कर रहा होता है अदलिया उसमें इस तरह के फैसले दे देती है। तो फिर उसी की बाबत हमें ये नज़र आया कि एक नेशनल असेंबली में कमेटी में बिल तो मंजूर हो गया, ड्राफ्ट मंजूर हो गया, वो बिल की सूरत नेशनल असेंबली में पेश होगा, ये अमेंडमेंट की जानी है पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन एक्ट में, इलेक्शन एक्ट के अंदर। और उसका मकसद बड़ा सादा सा नज़र आ रहा है, सादा सा मकसद उसका ये है कि किसी तरह से 12 जुलाई का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट्स वापस देने का कहा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ने, उसे गैर मौसर किया जाए उस फैसले को। अब उससे एक सूरत ये भी अभी तक दोबारा सामने आ गई कि जो जुडिशल पैकेज का ऐलान कर रखा था आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, उनका कहना यह था बुनियादी तौर पे कि 2/3 मेजॉरिटी तो चूंकि हमें माले गनीमत वाली सीटें मिल गई हैं तो अब उसके बाद हम कर लेंगे। तो क्या अभी भी हुकूमत स्टिक कर रही है उस जुडिशल पैकेज वाले प्लान के ऊपर? ये एक अहम सवाल होगा। और फिर जो तनाव क्रिएट होगा अदलिया और हुकूमत के दरमियान वो भी देखना होगा कि उस पर सुप्रीम कोर्ट का रद्दअमल क्या होता है, क्योंकि अभी तक डिटेल्ड डिसीजन, तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आया। तो कुछ गवर्नमेंट हैज़ जंप द गन, कुछ ज़्यादा जल्दी कर दी है। फिर उसके उसमें ये आगे एक और चीज़ नज़र आएगी कि कहा जा रहा था कि जनाब ये दो इदारों के दरमियान तनाव हो सकता है, यानी एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के। अब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर भी शामिल हो गया है अदलिया के खिलाफ तनाव क्रिएट करने में। और फिर तीसरी तरफ इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि बात मैंने करनी है तो एक ही तरफ करनी है। ये सब मामलात हैं, इन पर गुफ्तगू करेंगे, मजीद इस पर बातचीत पूछेंगे। चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब आपके वक्त का। खान साहब ने जो एस्टेब्लिशमेंट को ये कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आप अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, उसके चांसेस तो कुछ कम ही लगते हैं कि वहाँ से प्रॉपर कोई नुमाइंदा मुकर्रर होगा। इस पर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, लेकिन एक दौर के अंदर जब आपकी हुकूमत थी तब तो बाकायदा मुज़ाकरात क्या करने, वो तो मुलाकातें हो रही थी, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया है। रेट्रोस्पेक्टिवली सिर्फ स्टार्ट यहाँ से, फिर अगले बात पर मैं आता हूँ।
आप लोग सर, आप तो वजीर इत्तलात भी थे उस वक्त, खान साहब वजीर आजम थे उस वक्त, किसी को पता नहीं चला कि ये बैक चैनल इतने रबते हो रहे हैं, बल्कि मुलाकातें हो रही हैं 20-20 मिनट की, और वोट देने को तैयार हुई हुई है PMLN। मर्दम शनासी की कुछ कुछ फुकदान नजर आता है या फिर इंटेलिजेंस की कमी थी, क्या मामला था सर? देखिए, बात ये थी कि मुलाकातें तो का तो पता था और PM साहब को वो भी आ गया था, और उसके बाद असल जो बात ये थी कि वो यहाँ तक ही बात रहेगी कि नवाज शरीफ को जो बाहर भेजने का मामला था उस वक्त तक जो एस्टेब्लिशमेंट की और इनकी डील थी वो शायद यही तक रहेगी। और मामला जाहिर है कि बिगाड़ना नहीं चाहती कोई भी हुकूमत, चाहती तो नहीं कि वो मामला बिगड़े, लेकिन असल बात यही थी कि जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उसमें ये था कि उन्होंने फैसला ही किया हुआ था अपनी तरफ से कि एक एक्सटेंशन मैंने ले ली है PTI से, तो अगली एक्सटेंशन मैंने फौज से लेनी है PMLN से। तो इसलिए वो मुलाकातें और सब कुछ जो है वो हो रहा था। और ये जो ख्वाजा आसिफ हैं और राणा तनवीर साहब एक्चुअली ज्यादा जानते थे, राणा तनवीर साहब का नाम अभी तक नहीं आया, मैं हैरान हूँ ख्वाजा आसिफ का नाम आ रहा है, राणा साहब पता नहीं आप अपनी किस्सा कहानी कब बोलते हैं, वो अपनी दास्तान सुनाएंगे। ये जो इमरान नवाज शरीफ साहब को जो बाहर भेजा था, मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, यू वर ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन, या आपके अलावा मेरा ख्याल शीरी मजारी साहिबा कहती थी कि ये बाहर चले कैसे गए हैं, ये झूठी रिपोर्टें कैसे हुई हैं, पूछा जाए इसके बारे में, लोगों को पता ही था कि ये भेजा किसने है, किस तरह से बाहर चले गए, आपकी हुकूमत ने उस पर भी बिल्कुल एक्ट नहीं किया। जुल्फी बुखारी ने भी काफी कहा, जुल्फी बुखारी ने मैंने और एक्चुअली थर्ड पर्सन वाज फैसल वाडा जो कह रहे थे कि बाहर जो है वो ना भेजे उस कैबिनेट मीटिंग में, बट बाहर तो सिर्फ मैंने ही बार बार ये बात कही थी, बाकी उन्होंने बाहर बात नहीं की। मैंने PM साहब से मेरा ये कहना था कि आप बाहर जब भेजते हैं लोगों को तो वो फिर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के एक कठपुतली बन जाते हैं, तो आप बाहर ना भेजें, उसके बजाय आप उन्हें जो है वो हाउस अरेस्ट कर दें, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो जाती उम्र चले जाए। तो मेरा मौका उस वक्त यही था कि बाहर नहीं भेजना चाहिए, लेकिन बहरहाल वो तो करो, जब चले भी गए उसके बाद भी आपने ये सवाल उठाया कि गए कैसे, उस पर कभी क्लैरिटी नहीं थी आई, लेकिन वो तो बाद में उन्होंने ही क्लैरिटी दी, ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा था। खैर, आई विल कम टू द करंट सिचुएशन नाउ। खान साहब ने सर ये जो कहा कि एस्टेब्लिशमेंट अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, दो चीज़ें उसके अंदर, एक तो ये कि वहाँ से तो मुझे तो नहीं लगता और किसी को भी नहीं ये लग रहा कि वहाँ से कोई नुमाइंदा मुकर्रर होगा, आपके ख्याल में कोई बैकडोर किसी किस्म का कोई रबता है, होगा आगे, और अगर इस ऑफर का मुस्बत जवाब ना आया तो खान साहब अभी थोड़ा सा जो आप जो तहरीक इंसाफ जो रेस्ट्रेंट कर रही है, आपको क्या लगता है उसके बाद फिर क्या रिएक्शन हो सकता है? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ये जो जश्न दिया है खान साहब ने, उससे एक असर तो अभी हो गया है कि आप देखें कि तलखियां एस्टेब्लिशमेंट में और PTI में कम होती हुई नजर आई। अच्छा, और दूसरी तरफ जो नून लीग की आप देख रहे हैं जो घबराहट है वो बढ़ती हुई नजर आई है। उसकी वजह ये है कि नून लीग का प्रॉब्लम ये है कि वो किसी तौर पर भी अपनी कोई उनकी सियासत है नहीं, वो अपने कोई पाँव पे खड़े नहीं, लिहाजा वो जो उनकी सारे की सारी एफर्ट और कोशिश है वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट में और इमरान खान में तल्खियाँ ज़्यादा बढ़ती रहे ताकि वो उससे फ़ायदा उठाते रहे। लेकिन इमरान खान के इस बयान से आपकी बात बिल्कुल सही है, ऑफिशियल नुमाइंदे कहाँ अपॉइंट होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के, अगर बात होनी है तो वो तो बैकडोर पर ही होगी। और अगर लेकिन इससे ये ज़रूर है कि तल्खियाँ जो हैं वो ज़रूर कम हुई हैं, जो मेरा ये ख्याल है कि इनिशियल कामयाबी जो PTI को होनी थी वो तो उससे हुई है। अब आगे मामला देखते हैं कि कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए अब जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने भी देखना यही है कि तूफान था वो आया, PTI वो तूफान सरवाइव कर गई, इमरान खान वो तूफान सरवाइव कर गए, वो तूफान से निकल आए हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या एक और तूफान जो है वो उसका सामना उन्हें करना है, या अब हालात जो है वो हम साहिल की तरफ बढ़ने की जो है वो सुन तो हम यही रहे कि एक और तूफान जो है ना इट्स ऑन वे। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होता नजर आता, उसकी दो तीन वजूहात है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट तो जो है ना कि वो ये है कि जो जुडिशरी के साथ मामलात हैं इस वक्त हुकूमत के एस्टेब्लिशमेंट के वो बिल्कुल एक आखिरी सतह पे पहुंच गए हैं। दूसरा बड़ी प्रॉब्लम ये है, देखिए आपको 8 से 10 अरब डॉलर चाहिए पाकिस्तान को, ये इन्वेस्टमेंट वगैरह वाली तो ऐसी बातें ही है ना,
$8 अरब तो आपको मिनिमम चाहिए पाकिस्तान को इस वक्त चलाने के लिए, और $8 अरब अभी आपसे अरेंज नहीं हो रहे इस साल। 8-10 अरब डॉलर आपको अरेंज होते हैं तो फिर ऑप्शंस खुलती हैं। अभी आपने देखा कि चाइना से भी जो है वो पैसा नहीं आया, अरब दुनिया से भी नहीं आया, और अमेरिका से तो ज़रा आ ही नहीं रहा। तो ये ममालिक हैं जो ट्रेडिशनली हमें मदद करते हैं, तो असल प्रॉब्लम तो पैसे का है, पैसा नहीं आ रहा। और थर्ड अब ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, डिस्पाइट पूरे जोर लगाने के, मेरा ये ख्याल है कि एक कोशिश जो तूफान आप कह रहे हैं, एक कोशिश दरमियान में की जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के फायज ईसा साहब को 3 साल देने और सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने। लेकिन अगर ये ना हो सकी, और लगता मुझे ये है कि हो नहीं पा रही, लोग नहीं टूट रहे, फिर जो है वो बातचीत की तरफ जाना पड़ेगा। और आज पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ साहब ने, क्योंकि पीपल्स पार्टी में परवेज अशरफ साहब वगैरह ऐसे लोग हैं जो जरदारी साहब की मर्जी के खिलाफ बात नहीं करते हैं, ये नदीम अफजल या बाकी एक दो लोगों की तरह अपनी उनकी इतनी ओपिनियन वो नहीं देते हैं, वो जरदारी साहब की बात ज्यादा करते हैं। उन्होंने आज खड़े होकर ये बात कही है कि मुजाकरात का वज़ीर आज़म साहब रास्ता खोले। तो मुझे लगता है कि प्रेशर तो काफी बिल्ड है इस वक्त हुकूमत पे भी। आप अगर इससे दोबारा आगे मामला खराब होने हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। पीटीआई ने तो अब जितने चैलेंजेस और जितना एक आई वुड से के पस्ताइयत बर्बरियत का सामना कर लिया है, उससे ज्यादा अब क्या होगा, गोलियां नहीं मारनी है। ठीक, फवाद भाई आप अगर जरा गौर करें तो बानी पीटीआई और मुल्क का साबिक वजीर आजम इस वक्त जेल में है। अच्छा, पार्टी तितर बितर हो रही है मैं समझता हूँ, और निशान भी गया है एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो लड़ाई फसाद ये सारी चीज़ें चली। आप तो इमरान खान की आंख और मैं समझता हूँ कान बहुत करीबी थे, मुझे जब रैली निकली थी इमरान खान की उस वक्त भी आप साथ साथ सारी चीज़ों को, फेडरल मिनिस्टर रहे, हर चीज़ को कंट्रोल करते थे। आप खुद को कितना जिम्मेदार समझते हैं इस सारे फसाद जो हुआ है, इसमें आप रिस्पॉन्सिबल हैं? हम तो इंक्रीजिंगली रिस्पॉन्सिबल नहीं है और ना ही पीटीआई रिस्पॉन्सिबल। पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट की एक किरदार है, जो एक हर इदारे की अपनी पॉलिटिक्स होती है, जिस तरह अभी जेएनएन में आप लोग बैठे हुए हैं, यहाँ की एक अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स होगी, इसी तरह से एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक अपनी पॉलिटिक्स हो रही होती है। बाकियों में हमारा कोई झगड़ा नहीं हो, कोई ऐसी बात नहीं हुई। सिर्फ एक चीज सिर्फ मैं समझता हूँ कि एक जो गलत हुआ, अगर हाइंडसाइट में देखो कि जो 25 मई जो था पहला जो हमारे लॉन्ग मार्च था, उसके बाद जो रابطے हमने खत्म कर दिए, अगर वो रابطے खत्म ना होते तो बेहतर था। अदरवाइज देखिए हमने, अरे तो ये तो एक सेटल हो रही है सोसाइटी पाकिस्तान के अंदर, तो ये इसमें कि जो कोई फसाद या कुछ इमरान खान जेल में गए हैं, कुछ गए हैं, पीटीआई ने क्या किया था जो उनको, ये तो इनको जुर्म नाहक की सजा दी जा रही है। फवाद भाई आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मेन जहां से बात शुरू हुई, हमारी हुकूमत चल रही थी वफाक में, उस वक्त आप वो शख्स है जिसने जोर लगाया हुआ था कि असम्बलियाँ डिसॉल्व की जाए। अगर आप हामिद खान को देख लें, वो भी ये कह रहे हैं कि शेख रशीद और फवाद चौधरी ने कहा था। अगर आप चौधरी परवेज लाई का बयान अगर आप कहते हैं तो मैं सुनवा देता हूँ, उमर बशीर को कह के आपका शॉर्ट भी सुनवा देता हूँ, जिसमें आप कह रहे थे कि परवेज लाई को हैव टू असम्बलियाँ तोड़नी है, अगर इसने असम्बलियाँ ना तोड़ी तो मैं प्लान बी दूंगा। तो ये असेंबलियां डिसॉल्व ना ही करवाते तो ना ही ये मामला आगे बढ़ता रहा। फवाद भाई देखिए ये तो बिल्कुल ही एक ऐसी बात, पहली बात तो ये कि हामिद खान साहब तो जाहिर है उस वक्त थे ही नहीं, थी कौन थे, उनको नहीं पता किसने क्या किया, वो तुक्के मार रहे हैं। शेख रशीद साहब तो बहरहाल इस कन्वर्सेशन में शामिल नहीं थी, ये सबसे पहली तजवीज जो थी शाह महमूद कुरैशी साहब ने दी थी, और बिल्कुल मैंने उसकी हमायत की थी, और इसलिए हमायत की थी कि जब आप पॉलिटिक्स के अंदर इमरान खान जिस किस्म की पॉलिटिक्स करते हैं वो सिंगल दुखी वाली सियासत नहीं करते, और क्रीज से निकल के फैसले करने की सलाहियत रखते हैं, छक्के मारने की सलाहियत रखते हैं। और आज पीटीआई का जो अरूज है, पीटीआई आज जिस अवामी मकबूलियत के मेराज पे है, उसकी वजह ही ये फैसले थे जो असम्बलियों से हमने बाहर आके, निजाम से बाहर आके जो हमने लड़ने का फैसला किया, और जहां पे हमने असम्बलियां नहीं तोड़ी, जहां पे हम निजाम का हिस्सा रहे, वहां पे हमारी पार्लिमानी पार्टी ही खत्म हो गई। आप कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में देखें, और यही हशर हमारा पंजाब में
होना था जहां पे हमारी पार्लिमानी पार्टी ही खत्म हो जानी थी मुकम्मल तौर पे। और मैं समझता हूँ कि ये बड़े फैसले इमरान खान के थे जो हमने असम्बलियां तोड़ी, इसका जवाब ही सियासत, इतना बड़ा एक सियासी चाल थी कि हुकूमत के पास तो इसको आइन तोड़ना पड़ा उन्हें जवाब देने के लिए, उनके पास इस चाल का जवाब ही नहीं था। तो जब आपने आइन ही तोड़ देना है तो फिर तो जाहिर आप क्या करें, बट हमारी ये चाल बिल्कुल जबरदस्त थी और इट पेड अस वेल। आप अभी फरमा रहे थे कि मुख्तलिफ पार्टियों के इतिहाद की बात कर रहे हैं या एस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी सियासी पार्टी से कोई बात नहीं करेंगे, तो फिर मामला कैसे चलेगा भाई? नहीं, बात तो हो जाएगी, सियासी जमातों से भी बात हो जाएगी, और इसलिए बात हो जाएगी कि पाकिस्तान को अगर आपने स्टेबिलिटी देनी है, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं, नून है, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, JUI है, इन सारी पार्टीज को एक फील्ड अपने फोल्ड में आना होगा, इन सारी पार्टीज को एक मिनिमम कॉमन एजेंडा हमें तय करना पड़ेगा। और उसकी वजह यह भी है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ आप डील कर नहीं सकते। अगर इमरान खान डील करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो उनकी तो सियासत फिर शहबाज शरीफ के लेवल पे आ जाएगी, तो डील उन्होंने करनी नहीं है, तो शरायत सारी एस्टेब्लिशमेंट ने माननी नहीं है, लिहाजा टू स्टार्ट विद ये मौकफ उनका जो भी है वो है, लेकिन अल्टीमेटली आपको सबसे बात करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट को भी सियासी जमातों को अलाउ करना चाहिए कि वो एक दूसरे से बातचीत करें और आगे बढ़े। इस तरह से सबसे बड़ी सियासी जमात को बाहर रख के आप पाकिस्तान की कोई खिदमत तो नहीं कर रहे। अब देखें, बातचीत होती है, मुजाकरात होते हैं, तो एक बड़ी बुनियादी सी कॉमन सेंसिकल बात है कि मुजाकरात का मतलब ये है कि यू गिव सम यू टेक सम। अब यहाँ पे इमरान खान साहब के जो मुतालबात हैं, ऑब्वियसली हुकूमत तो वो नहीं मान सकती ना, वो कहे मेरा मैंडेट वापस करें तो इसका मतलब है हुकूमत कही लें जी बिस्मिल्लाह आप पकड़ें आप ले लें और दोबारा चाहे इलेक्शन करा लें या आप हुकूमत में आ जाएं, हम नहीं रहते, इतना अच्छा तो कोई भी नहीं होता। उसके अलावा भी जो दो मुतालबात हैं वो तो वैसी हुकूमत के उससे पेचेक से बाहर है उनके। सवाल ये है कि कुछ लेना कुछ देना, मैं डील नहीं कह रहा लेकिन मुजाकरात होते हैं तो कुछ दूसरी तरफ से कुछ डिमांड होती है, तहरीक इंसाफ क्या दे सकती है, क्या मांगा जा सकता है तहरीक इंसाफ से? साहब मेरा ये ख्याल है कि जो ज्यादा फिक्र है ना अपोजिशन को, और जो PTI का फर्ज है, इमरान खान का फर्ज है कि एस्टेब्लिशमेंट और पार्टीज की जो फियर है वो दूर करे, खौफ दूर करे, वो ये है कि PTI हुकूमत में आके कहीं हमें उसी सलूक का निशाना ना बनाए जो गुज़िश्ता 2-2.5 साल में जिसका PTI को निशाना बनना पड़ा है, और ये वो फियर है जिसको दूर करना जरूरी है। बाकी देखिए, ये कहना कि इस फॉर्म 47 की हुकूमत पे हम बैठे रहेंगे और 5 साल बैठे रहेंगे, ये तो जाहिर है उनको भी पता है पॉसिबल नहीं, चल ही नहीं रहा। अवाम को तो आपको फैसले का हक देना पड़े, नए बात होने ही होने हैं, उसमें तो देखें आप नहीं रोकेंगे। इफ़ाई में वो अभी आपकी अब ये बात आप कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन वो जो पहले आप कह रहे थे ना कि दे हैव दिस फियर, उनको ये डर है कि जो हमने किया है इमरान खान के साथ या तहरीक इंसाफ के साथ, दोबारा पावर में आके इमरान खान हमारे साथ वो ना कर दे। मैंने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा जो जेल में मिल के आए खान साहब से, उन्होंने आके फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस ये बात की, और किसी रेफरेंस ये था कि जैसे फतह मक्का मॉडल के भाई ठीक है ना, अब उसके बाद सबको माफ़ी का ऐलान है। मामला ये है कि ये तो खान साहब कह चुके हैं, ये पार्टी के लीडर्स TV पे बैठ के बात कर रहे हैं, उनको यकीन नहीं आ रहा, आप ये कह रहे हैं यकीन दिलाना होगा, कैसे चौर साहब कुछ तरीका समझ आता है ये मतलब बाकायदा उनको यकीन दिलवाने का? वो तो नहीं मान रहे, अपोजिशन की बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक आईनी तरमीम की जरूरत है जिसके जरिए हम प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस को इंडिपेंडेंट कर सके, और जिस तरह से एक कई यूरोपियन ममालिक के अंदर जो प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस है वो हुकूमत के तहत नहीं होता एज सच, तो उसको हम बनाए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होता है, इसी तरह से वफाक और सूबों में प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस जो है वो कमीशन के जरिए आए और हुकूमत का मातहत ना हो, जिसके में तमाम मुकदमे जो है वो पॉलिटिकल नौयत के उधर से होके जाए, ताकि उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन सारी इंडिपेंडेंट हो, और इसके अलावा भी लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं जो लिए जा सकते हैं, जो लिए जाने चाहिए, ताकि जिस तरह के मजहका खेज केस आज आप रऊफ हसन साहब को देखें, आज आप हमारे अहमद को देखें, और खुद हम मुझ पे हुए, बाकी लोगों पे हुए, ये जो एक तमाशा लगा है पाकिस्तान में ये कभी रिपीट नहीं होना चाहिए, और वी शुड स्ट्राइव कि ये मामला ना हो। और आपने देखा है कि अब तो मेम्बरान असम्बली गायब होना शुरू हो गए, तो इम्तियाज जैसा आदमी, शरीफ आदमी जो है वो गायब हो गया,
कई और लोग जो है वो बेचारे इम्तियाज गादी साहब के ऊपर जो है जिस तरह से इन्होंने प्रोसिक्यूटर जनरल वाली जो आपने बात की वो तो चेयरमैन नैब भी वो किसी के अंडर नहीं होता, लेकिन चेयरमैन नैब किस तरह से ऑपरेट करता रहा कर रहा है करता रहेगा ये भी सबको पता है। वो प्रोसिक्यूटर जनरल का भी वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग रियलिस्टिकली अगर इफ आई सी इट वही हाल होना है जो चेयरमैन नैब वाला मामला था। एक आपने अभी भी बात की कि हुकूमत को अभी भी ख्याल मतलब उनका ये देयर स्टकिंग विद दिस प्लान के जुडिशल पैकेज जो वो लेके आना चाह रहे थे ये किस तरह से लेके आ जाएंगे, मतलब ये जो अभी आपके ख्याल में ये जो इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की है इसके बाद दे विल कम एट लॉगर्स हेड, दे ऑलरेडी हैव बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं वो अदलिया के और वो खुल के कह चुके हैं कि हम फैसला नहीं मानेंगे और मिनवान अमल इस पर नहीं होने देंगे, तो आपके ख्याल में वो फिर 41 सीटें वो उधर ना ले जाके स्पीकर ऑफिस के थ्रू फिर उन्हें 41 के जो बनते हैं रिजर्व सीट्स बनती हैं वो खुद लेके दे आर स्टिल स्टिकिंग विद दैट प्लान कि अभी भी उन्होंने जुडिशल पैकेज का तर्क नहीं किया 12 जुलाई के फैसले के बाद भी जो प्लान था। अच्छा एक तो जो चेयरमैन नैब है उसकी अपॉइंटमेंट हुकूमत करती है जो ऐसा इंडिपेंडेंट वो नहीं और उसके अंदर जो प्रोसिक्यूटर जनरल का ऑफिस है नैब के अंदर वो मुशावरत से होती है ना सर? नहीं मुशावरत से नहीं होता वो हुकूमत अपॉइंटमेंट मुशावरत से नहीं तो इसलिए उसके और ये जो प्रोसिक्यूटर जनरल की जो अपॉइंटमेंट है जो मैं कह रहा हूँ आईनी तौर के ऊपर बनाए वो एक और मामला है और उसके मुताबिक जो है वो अपॉइंटमेंट होनी चाहिए और प्रोसिक्यूटर जनरल को जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। चेयरमैन नैब की जो एग्जेक्टिव पोजीशन है ना प्रोसिक्यूटर जनरल की अपॉइंटमेंट जो है वो जुडिशियल होनी चाहिए। दूसरी बात जो है जो आप बात कर रहे हैं ये बात बड़ी अनफॉर्चुनेट है। देखिए हुकूमत बिल्कुल इस वक्त एक अदलिया के साथ टकराव के ऊपर है और स्पेशली इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस जो रोज बात करते हैं किसी की जाली डिग्री निकाल दी 30 साल बाद किसी का जो है वो कुछ कर दिया एक मुसलसल आई वुड से कि उनको एक दबाव में रखने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इसी तरीके से कुछ जाहिर है कि जुडिशरी के खिलाफ इस तरह से वहाँ यहाँ पे तो देखिए अनफॉर्चुनेटली यहाँ लाहौर हाईकोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ तो वो पीटीआई ही के हामिद खान साहब के जो लोग हैं उनको इस्तेमाल किया गया और एक पिटीशन जो है वो करवा दी गई है अब कि वो उसको करें। सो इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ रेफरेंस ऑफ जस्टिस शहजाद साहब जैसे आदमी ये सिटी जजेस जज की जो बेटी है उनका वारंट जो है वो जारी हो गया। सो जुडिशरी को एक बिल्कुल वॉर पॉट के ऊपर है इस वक्त गवर्नमेंट जुडिशरी से और उसका वाहिद मकसद यही है कि ये जो जजमेंट और मुझे समझ नहीं आता कौन एडवाइस कर रहा है। मसलन आप बताइए कि ये सीटें मिल भी जाएंगी पीटीआई को तो कोई फरी हुकूमत को तो खतरा नहीं होना। असल खतरा वो है जो इनको लगता ये है कि अगर हमने अभी जुडिशरी को कंट्रोल ना किया या खत्म ना किया तो फिर हमारे साथ क्या होगा कि हम जो ट्राइब्यूनल्स हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं वो खुल जाएंगे और इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है वो हमारी फॉर्म 45-47 के फैसले शुरू कर देंगे और वो अगर हो जाते हैं तो फिर जाहिर है इस वक्त 120 के करीब नंबर बन जाता है JUI और PTI का मिला के इस वक्त असेंबली के अंदर रिजर्व सीट्स इम्प्लीमेंट होती हैं तो वो फिर 30-40 सीटों जो है वो अगर ट्राइब्यूनल ने पलटा दी तो फिर हुकूमत को नंबर है। तो आई थिंक दे आर वेरी स्केयर्ड राइट नाउ कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं हाईकोर्ट के जिनको भी काजी फैसल साहब ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली रोका हुआ है स्टे दिया हुआ है 180 दिन में उन्होंने फैसला करना था वो इतने महीनों से चीफ जस्टिस और फिर चीफ जस्टिस जो है वो इलेक्शन कमीशन को रिकाउंट का इख्तियार देना चाह रहे हैं जिधर से सीटें बढ़ाना चाह रहे हैं पीटीआई की। तो ये सारे मामलात हैं जिसके ऊपर वो इस वक्त जो है वो हुकूमत और अदलिया के दरमियान एक लड़ाई बढ़ती जा और फिर पतन ने भी 208 के करीब कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी नेशनल असेंबली की उन पर जो ऑडिट कह लें आप उनमें से चंद का तो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक जिसमें से नवाज शरीफ साहब का हल्का था उसका कर लिया है लेकिन बाकी भी जो सारे हैं अच्छा वो बड़ा क्लैरिटी के साथ उसमें इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक ही नज़र आता है कि किस तरह से रिजल्ट कंपाइल हुए थे और वो जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है जो मुकर्रर पता नहीं क्यों नहीं कर रहे काजी फैसल साहब इलेक्शंस में धांधली से मुतालिक वो भी एक बड़ा मसला हुकूमत के लिए बन सकता है। फवाद चौधरी साहब थैंक यू वेरी मच आपके वक्त के लिए ब्रेक लेते हैं ब्रेक से वापस आएंगे हमारे साथ शजरा मनसब साहिबा होंगी PMLN लीडर से बता वेलकम बैक हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर रहनुमा शजरा मनसब साहिबा मौजूद हैं थैंक यू वेरी मच मैम आपने वक्त दिया है। ये जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया पहले वो ड्राफ्ट पास हो गया उसके बाद बिल और ये सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द एक्ट भी बन जाएगा जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है
यानी कि तरमीम मंजूर हो जाएगी। और इसका मकसद जो नज़र आता है, जो कहा जाता है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उससे गैर मौसर हो जाएगा। एक सवाल तो उसके अंदर ये है कि बाकी तो चलें वो ऑब्वियसली मामला कोर्ट्स में जाएगा, लेकिन ये पॉलिटिक्स कुछ टकराव की पॉलिटिक्स नहीं है विद द इंस्टीट्यूशंस, स्पेशली द जुडिशरी? इसके आगे क्या नतीजे निकलेंगे? बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, हमारा मकसद टकराव नहीं है। स्टेट के तीन पिलर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि तमाम जो पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं वो अपने अपने दायरा कार में रह के तो अपना अपना काम करें। अब पार्लियामेंट का काम लॉज बनाना है। जो ये लॉ था, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 में बड़ी क्लियरली लिखा हुआ है कि कितने दिन, 3 दिन होते हैं किसी भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पास कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले। उसके अलावा जो इलेक्शन शेड्यूल आता है उसमें बड़ी ये स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि किस वक्त कोई पार्टी अपनी फहरिस्त देती है और उसके बाद किस तरीके से हर सूबे को और वफाक को प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन मिलती है। अब ये सारी चीज़ें आईन में क्लियर थी जी। अब ये जो फैसला आया, क्योंकि एक फैसला अब आ चुका है, उसके ऊपर तनकीद करना तमाम पाकिस्तानियों का हक है। हम समझते हैं कि जिस वक्त पहला फैसला दिया गया कि पीटीआई को उसका सिंबल नहीं मिलेगा, उस वक्त एक तो बात क्लियर कर देनी चाहिए थी कि सिंबल नहीं मिलेगा लेकिन ये एज अ पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। और सबसे ज्यादा ये कि इनको खुद जाके क्लैरिफाई करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। उसके बाद इन्होंने अपनी अपनी डिक्लेरेशंस जमा करा दी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए, जिस जमात ने कि अपनी फहरिस्त जमा ही नहीं कराई हुई थी, इनको किसी ने नहीं कहा था ये करने के लिए। अच्छा, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कोर्ट्स में गई। ये बात तो काफी तफसील से डिस्कस हुई और ये मैं अगेन वही कह रहा था ना कि अदालत में तो ये मामला आगे फिर दोबारा आ जाएगा, खुल जाएगा वो। अभी तो इसका रिव्यू भी बाकी है, अभी इसका डिटेल डिसीजन भी नहीं आया। वहां पे पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने तशरी कॉन्स्टिट्यूशन की है या फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट की तशरी की थी, कानून की तशरी की थी। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन की तशरी उन्होंने, आइन की तशरी की है, तो ये उन्हीं का हक है ना, उन्हीं का काम है आइन की तशरी करना और आइन को रीराइट करने में। थोड़ा सा फर्क, जब आईन में लिखा हुआ है कि 3 दिन और उस 3 दिन को 15 दिन बना देना, इसको हम तशरी कहेंगे या रीराइटिंग कहेंगे, ये फैसला जाहिर है सबको मिलके करना होगा। और हम बिल्कुल किसी के साथ भी किसी किस्म का टकराव नहीं चाहते। इदारों में टकराव जो है वो बिल्कुल भी हम नहीं चाहते, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, आइन के अंदर तरमीम करना, ये तो पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है ना। उसमें ये आता है ना मैडम, एक चीज हो चुकी, मतलब एक यूं खेल, एक यानी इलेक्शंस कह लीजिए, वो हो चुके और उसके बाद जो सीट्स मिलनी थी वो हो गया सब मामला। उसके बाद पीछे जाके दोबारा रूल्स ऑफ द गेम चेंज कर दिए जाएं, एक्ट में जो तरमीम की गई है वो इस तरह से महसूस होती है। जो आप दूसरी बात कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, वो तो रिव्यू में भी आप कह सकते थे ना। मैं आपसे वही अर्ज कर रही हूँ कि चेंज नहीं किया हमने कोई भी नई चीज इसमें। अगर आप गौर करें तो कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ उसको और ज्यादा तफसील में लिख दिया गया है। काबिले इत्राम शिजरा साहिबा, आप एक खानदानी जगह से तल्लक रखती हैं और आपके वालिद मोहतरम भी, और आप नब्स पे रखती हैं आवाम की। पूछना ये चाहता हूँ कि इस वक्त दो सवाल आपसे छोटे छोटे कर, एक तो आवाम की नब्स को आप जानती हैं, आवाम जिस महंगाई और प्रॉब्लम का शिकार है इस वक्त, आवाम जो है वो तमाम सियासी जमातों से नाला नहीं, एक बात। और दूसरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आप बात अभी फरमा रही थी इलेक्शन एक्ट के हवाले से, उसमें पीपल्स पार्टी और MQM जो है, क्या वो हुकूमत की हमायत करेंगी और इससे सुप्रीम कोर्ट की जो PTI है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये छोटी सी दो बातें। देखिए, आपने जो बात कही अवाम की वो बिल्कुल आपने ठीक कही है। अवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में बहुत बुरी तरीके से पिस रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई और यही चीज़ें हमारी हुकूमत का फोकस है। जिस वक्त मियां शहबाज शरीफ साहब ने पहली दफ़ा हुकूमत ली तो इसी कोशिश में अपनी सियासत को पीछे कर दिया, रियासत को आगे किया और ये इस फोकस के साथ आए कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी मेहनत से, कोशिश से बचाया, लेकिन उसके लिए हमें बहुत मुश्किल फैसले करने पड़े।
IMF की ये डील वो है जो PTI ने अपने दौर में की थी, लेकिन उसको आगे लेके हमें जाना पड़ा। मतलब आप चाह रहे हैं कि जैसे वो एक्ट में तरमीम हो जाए और उसके बाद ये सीट्स जो भी लिखा हुआ है वो तो खैर कोर्ट में डिसाइड होना है। 41 लोग वो कि जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हल्फनामा जमा नहीं था कराया, उनको वो सीट्स ना मिले, तो आप अभी भी ये चाह रहे हैं कि उन 41 के हिस्से की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो आपको मिल जाए? नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं चाह रहे। हमने आइन की पासदारी का हल्फ उठाया, हम सिर्फ और सिर्फ आइन की पासदारी कर रहे हैं। अगर हम आइन को और मुफसल करके लिखते हैं या उसकी तफसील बताते हैं तो वो भी हमारा इस्तेहकाक है, ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। इसमें लेकिन कोई वो टू थर्ड्स मेजोरिटी के साथ लिखा पड़ेगा ना, वो सिंपल मेजोरिटी से तो नहीं हो सकता जी, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमें करना पड़ा। लेकिन फिलहाल तो हम एक्ट में जो हमने तफसील की है उसमें एक्ट में तरमीम की है वो सिर्फ इसलिए कि अगर कोई इबहाम रह गया, क्योंकि ये जो जजमेंट आई है इसमें इबहाम थे, तो हम ये चाहते हैं कि कोई इबहाम ना रह जाए, फ्यूचर के लिए बेहतरी हो जाए। तो आप बताएं क्या फ्लो क्रॉसिंग को खत्म करना बेहतरी नहीं है, क्या चीजों को तफसील से लेके आना बेहतरी नहीं है कि ताकि आइन में कोई इबहाम ना रह जाए? तो सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, मैं लेकिन उस पर फैसले में तो ये था ना कि डिटेल जजमेंट आ जाती है, उसके बाद रिव्यू में आप लोग गए हुए हैं ऑलरेडी, वहाँ पे कोर्ट के अंदर रिव्यू में गए हैं, रिव्यू का उससे पहले आप देखे ना क्या होगा। अभी 2 महीने के लिए तो जजेस ने वैसे ही ऑफ ले लिया हुआ था, तो अभी तो वो दो, हालांकि ये ऐसी बात थी कि इसका फौरन, मैं समझती हूँ एक सिटीजन होने के नाते कि रिव्यू को फौरन ले लेना चाहिए था, और कोई भी ऐसा महकमा इदारा नहीं है जहाँ पे 2-2 महीने की छुट्टियाँ ले ली जाए। और जितने ज़्यादा हमारे केसेस पेंडिंग गरीब आवाम के पड़े हुए हैं उनको तो जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए। मोहतरमा, बतौर कौमी असेंबली मेंबर आप क्या समझती हैं, एक तरफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी है और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी है, किसको बेहतर समझ रही हैं आप, कंपेरिजन करना पसंद करेंगी? नहीं, कंपैरिजन करना तो नहीं बनता क्योंकि सूबों का अपने काम होते हैं और वफाक के अपने काम होते हैं, लेकिन मैं ये कंपैरिजन ज़रूर करूंगी कि जहां पे सिद्ध के दिल से खलूस नियत से काम किया जा रहा है तो वो दोनों जगह पे काम हो रहा है। आप देख रहे हैं जहां पे दिन रात मेहनत की जा रही है वो भी आप देख रहे हैं, जहाँ पर रिजल्ट ओरिएंटेड काम किया जा रहा है वो भी आप देख रहे हैं, जहाँ पर पीपल सेंटर अवाम सेंट्रिक फैसले किए जा रहे हैं, पॉलिसीज बनाई जा रही हैं वो भी आप सबके सामने है, उसके समरात जल्द ही इंशाल्लाह ताला अवाम के सामने भी आएंगे। एंड देन बिल्कुल ठीक बात आपने की कि वो आवाम खुद ही देख के उसको जज भी कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया शिजरा मनसब साहिबा, एक ब्रेक लेंगे, साथ रहिए। खलील रहमान कंवर साहब, जो मामला हुआ वो स्क्रिप्ट फिल्म का बनाने गए थे, फिर वो उसका ड्रॉप सीन, उनकी FIR, फिर उसके बाद कुछ एक वीडियो वगैरह सामने आ गई। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, ये आपके पास एक खबर है, क्या मामला चल रहे हैं, ये प्लानिंग किधर हुई है सर? बाजवा भाई, मैं तो पॉलिटिकल रिपोर्टर हूँ आप जैसा, यार मैं कल्चर को, एक काम को इतना तो नहीं समझता, लेकिन बहरहाल एज ए रिपोर्टर मैं आपको खबर दे रहा हूँ। खबर ये है, ये खबर शायद खलील रहमान कबर तक पहुँची है या नहीं पहुँची, लेकिन लाहौर शहर में डिफेंस के इलाके में एक घर है। अच्छा। और उस घर में 10 ख्वातीन इकट्ठी हुई, उन ख्वातीन ने गुफ्तगू से पहले अपने अपने पर्सों से 1-1 लाख रुपया टेबल पर रखा। ये इस मामले से पहले की बात कर रहे हैं? जी हाँ, इनको इनका उनके पास जाने से कबल की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मतलब इससे पहले कि खलील साहब बैरिया टाउन जाते डिफेंस में एक मीटिंग हुई, वो 4-5 दिन पहले मीटिंग हो चुकी थी। अच्छा। उस मीटिंग में 10 लाख रुपया टेबल पर रख कर गुफ्तगू शुरू हुई और वो इबरत का निशान बनाने के लिए मीटिंग थी, किसको? खलील रहमान कमर साहब को। 10 लाख क्यों इकट्ठा हुआ? 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा, जिसको आप कह रहे हैं ना ये लंदन से आई है खातून, ये वहां से आई है, होते नहीं यार जो टीवी व्हाट्सएप के शूटर है, ये सब लोग वो है। अच्छा। ये पेड लोग हैं भाई, ये वो लोग हैं जिनको प्लानिंग के तहत प्लान किया गया सिर्फ खलील कमर साहब को सबक सिखाने के लिए। वो जो बातें करते थे ना, 2 टके की औरत और ये कोई खातून मुझे अगवा करके दिखाए, मैं फिर बताऊंगा, अगलों ने कर लिया अगवा। ये जो 10 लोग इकट्ठे हुए हैं ये खवातीन है आप बता रहे हैं? लोग नहीं, खवातीन। अच्छा,
और ये मुझे पता नहीं क्यों आपकी बात से यूं लग रहा है कि इनमें कोई शोबिज से ताल्लुक रखने वाली जाहिर है क्योंकि फील्ड देखे भाई शोबिज से हो या जो हो 10 खवातीन कटी हुई हैं और चले आपने कह ही दिया तो हाँ शोबिज से सारी की सारी शोबिज की मारूफ अदाकारा हैं और वो भी है जिनसे ड्रामा बनाने के लिए 125 करोड़ रुपया इन्होंने लिया था पाकिस्तान की टॉप फिल्म स्टार। अच्छा। और आखिरी बात मैं आपको ये कह दूंगा, मुझे पता आपका वक्त खत्म हो रहा है, खलील रहमान कमर साहब एक मिसाइल आपको 10 दिन बाद और लगने वाला है, चैलेंज कर रहा हूं आपको क्योंकि अब जो कमेटी 20 लाख रुपए की उन्हीं खवातीन ने कटी की है उसमें ना सिर्फ ये तमाम अफराद जो जेल में हैं इनकी रिहाई होगी, वकला होंगे, जेल में रोटियों के पैसे होंगे और अगला प्लान भी उस टेबल पर बाजवा साहब उन्हीं खवातीन ने बना चुकी हैं। मतलब पहला मिसाइल खलील रहमान कमर साहब पे वो जो बहरिया टल गए थे और वहाँ पे वो ट्रैप हो गए वो वाला मामला था, शहजाद हुसैन भट्ट साहब ये खबर दे रहे हैं कि अब अगली प्लानिंग भी है और एक 10-11 दिन के अंदर मजीद क्या होने लगा है वो नहीं उन्होंने बताना पसंद किया भट्ट साहब ने, वो फिर कभी सही दोबारा के लिए कभी वो स्टोरी रख लेते हैं। लेकिन खलील रहमान कमर साहब को ये मुतनबे कर रहे थे शहजाद भट्ट साहब के उनके लिए हालात जो है ना वो मजीद थोड़े से और खराब, चौधरी साहब का टाइम ना होता तो बात खुल के और भी हो सकती थी वैसे, दोबारा कर लेंगे। बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम देखने का, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।